नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आप लोगों का हमारी किचन में। कैसे हैं आप सब? आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बिना काजू की काजू कतली। आई थिंक आप सब लोगों को काजू की बर्फी तो बहुत पसंद होगी, बहुत सारे लोगों की फेवरेट होती है, लेकिन अगर वही काजू कतली हम खुद से बना ले तो कितनी अच्छी बात हो सकती है। तो जब भी मन करे किचन में जाओ, बनाओ और घर वालों को खिला कर भी उनका दिल जीत लो, क्योंकि जब हम मीठा कुछ बनाते हैं तो रिश्तों में भी मिठास आ जाती है। लेकिन एक चीज है, इसमें हम बिना काजू की काजू कतली बनाएंगे। आपको पता है मार्केट में जो हम काजू कतली खरीदते हैं उसमें भी काजू की क्वांटिटी ना के बराबर होती है, लेकिन इस बर्फी को अगर आप खाएंगे तो सेम आपको बाजार जैसी काजू कतली का ही फ्लेवर आएगा। बनाना बहुत आसान है, ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं और टेस्ट बहुत बढ़िया। तो चलिए बढ़ते हैं किचन की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी रेसिपी इतनी ही पसंद आ जाए तो आपसे दो चीजें जरूर मांगूंगी। हमेशा की तरह आप लोग साथ भी देते हैं मेरा, थैंक यू। आपको करना है वीडियो को लाइक और जमकर शेयर। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अपनी किचन की तरफ। इसके लिए आपको चाहिए 200 ग्राम सिंगाड़े का आटा, साथ में आपको चाहिए एक बाउल पिसी हुई चीनी, डेढ़ ग्लास दूध और आपको चाहिए थोड़ा सा देसी घी और चांदी का वर्क। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैन को गर्म करेंगे और उसमें घी डालेंगे। यहाँ पे मैंने एक चम्मच घी का इस्तेमाल करा है, आप चाहें तो ज़्यादा भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी सिंगाड़े का आटा। तो आप इस तरह से धीमी आंच पर रख के उसको हल्के हल्के हाथों से चलाते रहें, क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे तो वो जल सकता है, और आंच को हमेशा धीमी ही रखेगा। तेज करने पर भी आपका आटा भुनेगा नहीं बल्कि जल जाएगा। तो आप उसको इस तरीके से हिलाते रहें, आपको खुद बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। 2 से 3 मिनट उसको चलाने के बाद आप गैस बंद कर दीजिए, क्योंकि जो मार्केट वाली काजू कतली होती है उसमें भी काजू का इस्तेमाल ना के बराबर ही होता है, और ये आपको फ्लेवर बिल्कुल वैसा ही देगी। अब इसको मैं भूनने के बाद एक खाली बाउल में ट्रांसफर कर लूंगी, और खाली बाउल में डालने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी पिसी हुई भूरा चीनी। ध्यान रखेगा कि आपको मोटी दरदरी चीनी इस्तेमाल नहीं करनी, नहीं तो वो उसमें मिक्स नहीं होगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको गूंद लूंगी। आप थोड़ा ठंडा होने के लिए भी छोड़ सकते हैं, वैसे ही ठंडा हो चुका है। और आपको इसको पानी के साथ नहीं बल्कि दूध के साथ पीसना है, और दूध यहाँ पे नॉर्मल वाला नहीं बल्कि फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल करना है, जो हमें बहुत ही अच्छा गाढ़ा फ्लेवर देगी और आपको बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। तो आप थोड़ा थोड़ा दूध डालिए, उसके बाद इसको अच्छे से हाथों से मिक्स करते रहिए। एक साथ दूध बिल्कुल मत डालिएगा, नहीं तो आपका जो डो है वो बहुत ही पतला बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगाड़े का आटा गुनकर बिल्कुल तैयार हो गया है, और उसकी चारों तरफ मैंने देसी घी अच्छे से लगा लिया है। आप चाहें तो कोई भी घी का इस्तेमाल, रिफाइंड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन देसी घी का करेंगे तो आपको एक अलग ही स्वाद आएगा। अब मैं चकला लूंगी और उस पर अच्छे से घी लगा लूंगी। घी लगाने के बाद उसको हाथों से हल्का हल्का प्रेस करूंगी और बेलन की सहायता से उसको पीसूंगी, बड़ा करूंगी, क्योंकि हमें इसका साइज पूरा चकले जितना करना है। आप चाहें तो डायरेक्टली स्लैब पर या अपने पत्थर पर भी इसको बेल सकते हैं। हल्के हल्के हाथों से आप इसको प्रेस करते हुए बेलते हुए आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया पूरी तरीके से ये बेल चुका है। अब इसमें मैंने चांदी का वर्क लगा दिया है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगाएं नहीं तो मत लगाएं। उसके बाद मैं कटर की सहायता से इसको सारी तरफ कट कर लूंगी। इस तरीके से आप पहले चारों तरफ से कट करें, उसके बाद इसको बर्फी की शेप दे दें। कट करने के बाद यहाँ पर आपकी काजू कतली रेडी है। आप चाहें तो उसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, तो आपको बिल्कुल ही ये टाइट और बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देगी। आप इसको ऊपर जेली लगाकर डेकोरेट कर सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी बिना काजू की काजू कतली बहुत पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।